हम बात करते हैं बोरी कम्ल की। तो बोरी कम्ल क्या है? H3BO4, H3BO3, H3BO3 को बोरी कम्ल कहते हैं, बोरी कम्ल। अब बोरी कम्ल क्या है? बोरी कम्ल जलीय विलयन कराने पर हाइड्रोजन आयन नहीं देता, हाइड्रोजन आयन नहीं देता, तो अतः ये क्या है? अरेनियस अम्ल नहीं है। तो अरेनियस ने परिभाषा दी थी कि जो जो यौगिक हाइड्रोजन आयन देता है जलीय विलयन, वो क्या होते हैं? अरेनियस अम्ल होते हैं। अतः ये क्या? अरेनियस अम्ल नहीं है। ठीक है, अरेनियस अम्ल नहीं है। दूसरा कि ये लुईस अम्ल है, बोरिक अम्ल लुईस अम्ल है, लुईस अम्ल है। तो लुईस अम्ल क्यों है? क्योंकि यह एक लोन पेयर लेकर के अपना अष्टक पूरा करता है, यानी जल के अणु से OH- आयन लेकर के अपना अष्टक पूरा करता है, ये ले लेता है। पर तीसरी तीसरी परिभाषा यह है कि जो बोरिक अम्ल है यह एक प्रोटिक अम्ल है, यानी कि यह मोनोप्रोटिक अम्ल है। लुईस अम्ल, ये बोरिक अम्ल क्या है? मोनो मोनोप्रोटिक अम्ल है, मोनोप्रोटिक अम्ल है। मोनोप्रोटिक अम्ल क्यों है? क्योंकि यह जल के अणुओं के साथ जब यह अभिक्रिया करता है तो यह जल के अणु का OH- आयन तो खुद के साथ में मिला लेता है, और क्या मुक्त कर देता है? जल के अणु से हाइड्रोजन आयन को मुक्त कर देता है। इस कारण यह मोनोप्रोटिक अम्ल कहलाता है। लेकिन यह ना तो अरेनियस अम्ल है, अरेनियस अम्ल नहीं है, लुईस अम्ल है। तो बोरिक अम्ल को किस तरह से मोनोप्रोटिक अम्ल माना जाता है? तो देख सकते हैं हम कि BOH का होल थ्राइज प्लस H2O, तो H2O ये अभिक्रिया करता है तो क्या बना लेता है? BOH का होल फोर प्लस हाइड्रोजन आयन। तो इसका जो एक हाइड्रोजन आयन है वो क्या करता है? तो इस तरह से यह हाइड्रोजन आयन देता है।